सो सब तो पहला तो मैं कहना चाहना कि कल 12:30 बजे असी मीडिया के सामने पंजाब दे विच जो असी एक नवी पार्टी लॉन्च करन जा रहे हैं उसका कुल एजेंडा उसका नाम और उसके शुरुआती फ्यू अपॉइंटमेंट्स वो सारा कुछ जड़ा है असी कल मीडिया के सामने दसांगे और ये एक मजबूत रीजनल फोर्स हो के उभरेगी जो कुछ पिछले काफ़ी दहाकों तो पंजाब लुट खसुट हुई है और जिस ढंग दे नाल इत्थों दीआं रवायती पार्टियां ने सूबे दे पक्ष दे मसलियां नूं तिलांजलि दित्ती है बेईमानी कीती है उस सारे वैक्यूम नूं भरन वास्ते लोगों दीआं आसां ते उम्मीदां ते खरे उतरन वास्ते ये एक उपराला किया जा रहा वा सो इहदी बाकी डिटेल्स जिहड़ियां वो मैं असी कल देंगे जिहड़ा मैं अपना रिजाइन किया है फ्रॉम द प्राइमरी मैंबरशिप ऑफ द पार्टी उस नूं लैके कुछ पार्टियां ने कुछ आगुआं ने कई तरह दीआं टिप्पणियां कीतियां ने उहदे लई उहनूं उस नूं लैके मैं अज तुहाडे नाल अपने विचार सांझे करना चाहुंदा जब मैं पहली गल तो यह क्लैरिफाई कर देना चाहना कि जो मैं आम आदमी पार्टी की प्राइमरी मैंबरशिप तो इस्तीफा दे दिता वा उहदे च अपने आप डीम्ड है कंस्ट्रूड है समझा जाता वा कि मैं पार्टी छड़ दित्ती है और उहदे तो बाद कुछ लोगों ने खास तौर पर भगवंत मान ने ते होर कुछ लोगों ने यह कहा जी कि सीट क्यों नहीं छड़ दे तो मेरा यह मानना वा कि जितों तक मेरा प्राइमरी मैंबरशिप तो इस्तीफा देना वा असेंबली सीट छड़ी जा चुकी है पर क्योंकि वो ना तो इशूज़ नूं समझ रहे ने ना पंजाब दे मुद्दे नूं कोई समझने की कोशिश की है उन्हां दी सारी जिहड़ी राजनीति मैनूं नज़र आ रही है वो नफरत की भावना प्योरली आउट ऑफ हेटरिट कि अपना सीट छड़े ये दोबारा इलेक्शन लड़े ये अपनी पॉपुलैरिटी टेस्ट करे मनीष सिसोदिया कहता ये पार्टी जो है इसमें जो देश के लिए काम करना चाहते हैं वो हमारे साथ रहें जो ओहदे लेने चाहते हैं वो हमारे को छोड़ के जा सकते हैं इन्हों दी गल्लां तो यह नज़र आया कि ये सारे नफरत दे भरे हुए लहजे दे नाल मैनू टारगेट कर रहे हैं और जे इन्हों अच्छा लगता है मेरी कंप्लेंट स्पीकर दे कोल पा के तो मैं डिसक्वालीफाई करा सकते हैं क्योंकि मैं प्राइमरी मैंबरशिप तो इस्तीफा दे चुका वा ताकि लोगों नूं पता लग सके कि केड़े केड़े लीडर का की रवैया है पंजाब के प्रति ते पंजाब के लोगों के प्रति जितों तक ये कहिंदे आ जी कि आम आदमी पार्टी का विधायक सीगा आम आदमी ने प्राइमरी मैंबरशिप छड्डती आ ते इस्तीफा दे देना चाहिए तो फिर ये तो इस तर्क के नाल मैं पूछना चाहना कि तुसी तो फिर 117 सीटा दे इलेक्शन लड़ी सी जिहड़े 97 कैंडीडेट्स तुसी उतारे सीगे वो हार गए ने जे कल्ली टिकट नहीं कल्ले केजरीवाल के नाम ने लोगों को पार्टी के इलेक्शन जितौनियां सी ते वो 97 क्यों हारे ने फिर मेरा यह मानना वा कि मैनू वोटां मेरे इलाके के पुलाथ इलाके के लोगों ने साडा किरदार ते साडी सेवा भावना देख के पाईआं वा मैनू दूसरी बार उन्होंने इलैक्ट किया साडे परिवार नूं उत्थे पुलाथ दे विच लगभग अद्धी सदी हो गई है मेरे पिता जी ने पहली इलैक्शन 1972 दे विच लड़ी सी अद्धी सदी का साडा तअल्लुकात सी उस इलाके दे नाल लोगों ने मेरा काम देखा किरदार देखा मेरी जो मैं पंजाब दे हितां दी लड़ाई लड़ी भ्रिष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी उन्होंने मैनू वोट पा के पाई सो अगर ये कहिंदे ने कि ये असेंबली की सीट कल्ले केजरीवाल की देन सी तां ये एक्सप्लेन करो मैनू कि जिहड़ियां बाकी 97 हारियां वो कहदी जिम्मेवारी सी उहदी जिम्मेवारी कदी इन्हां ने लैण की कोशिश की है और एक भगवंत ने होर जिहड़ा एक्सप्लेन करना पवेगा कि एक पासे कहिंदा वा कि मैं इस्तीफा दिता होया पंजाब की आम आदमी पार्टी की प्रधानगी तो जो इन मीडिया पुछता तो कहिंदा हले मेरी केजरीवाल नाल इस मुतलक गल नहीं हो सकी एडा वड्डा झूठ यार एक साल तो ज़्यादा समा हो गया अरविंद केजरीवाल नूं माफ़ी मंगे बिक्रम मजीठिया तो और उहदे तो बाद दर्जना
शायद सैकड़े वार अरविंद केजरीवाल अपने विचार सांझे कर चुके ने, स्टेज सांझे कर चुके ने, मीटिंग कर चुके ने, दिल्ली जा चुके आ अरविंद केजरीवाल, पंजाब आ चुकया वा। तम भगवंत मान ने अज तक कभी अरविंद केजरीवाल ने पूछा ही नहीं गा, कभी पूछा ही नहीं गा कि तू तुसी बिक्रम मजीठिया तो नशिया के सरगना तो माफिया ड्रग लॉर्ड तो तुसी माफ़ी क्यों मंगी है। या तो भगवंत मान ने कभी पूछा ही नहीं गा, या अरविंद केजरीवाल ने कभी इनू जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, तो या फिर ये पंजाब के लोगों के नाल मस्करी कर रहा वा, मजाक कर रहा वा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ऑन रिकॉर्ड है, अरविंद केजरीवाल ऑन रिकॉर्ड है कि शायद जगबाणी टीवी नाल इंटरव्यू सी उन्होंने जलंधर उन्होंने स्टूडियो दे विच, तां यही सवाल पूछा कि तुहानूं भगवंत मान ने कभी माफ़ी के बारे कभी गल की तुहाडे नाल, वो कहिंदा नहीं कभी गल की, तुहानूं मिले ने, वो कहिंदे हाँ मेरे से तो भगवंत मान की एक दिन में कई बार दस बार तक बात होती है। सो नाले प्रधानगी छड़ी हुई है, तो नाले सब नो ज़्यादा पूछ भी आपा चक्की हुई है, तो अज तक सवाए खैरे नू भंडन तो सवाए खैरे के खिलाफ आ जिहड़ियां छोटे लेवल दियां बयानबाजियां करन तो कोई काम पंजाब दे हित दा नहीं कीता। इसलिए इन्हां दी मैं ना मैनू कोई परवाह वा, और हुण अपना घर फूक के तो दूजियां दियां मिन्नतां कढ़दे फिरदे ने। पहला कांग्रेस दियां मिन्नतां कढ़ियां उन्होंने रिजेक्ट करता, अज पता लग्या कि ब्रह्मपुरा साहब के कोल जाके अमृतसर पहुंचे हुए ने कि तुसी साडे नाल संधि कर लो, सानू कोई इतराज़ नहीं, सारिआं दा इह राइट है कि पोलीटिकली मिलना जुड़ना पार्टियां नू, पर अपना घर फूक के ते कर रहे। दूजा मैनू समझ नहीं आउंदी किड्डे सियाणे ने आम आदमी पार्टी दा LOP साहब, पता नहीं किड्डे सियाणे ने, वो कहिंदे छेती करो इन्हां दे खिलाफ़ कार्रवाई करो, तो जे एक दो मैंबरां ने इस्तीफा दे दिता होर तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का अहुदा अकाली दल के कोल जाऊगा तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये वो लोग ने जिहड़े अपने पैरों पर कुहाड़ी मारते हैं। बाकी तुसी इन्हां दी अकलमंदी ते इन्हां दी दयानतदारी तुसी इस गल तो समझ सकते। मेरा अज एक इशू तो एक व्हाट शुड आई से कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के उत्ते मैं एक अपना पक्ष रखना चाहना वा। जिहड़ा एंटी डिफेक्शन लॉ है इंडिया दे विच, साडा इह मनना वा कि इन्हें इस एंटी डिफेक्शन लॉ ने खास तौर पर जिहड़ी 52nd अमेंडमेंट सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की 1985 हुई है, जिहड़ी कि उस वक्त की राजीव गांधी कांग्रेस सरकार ने की है, और उस तो बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2003 विच 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लैके आए। राजीव गांधी ने एंटी डिफेक्शन लॉ नू काफ़ी करड़ा करके तो 1/3 मैंबर्स चाहिए सके कोई भी नवी पार्टी बनाने लिए मर्जर करन वास्ते। BJP ने उसनू होर डिक्टेटोरियल तानाशाह बनाता और उसनू 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए उसनू 2003 दे विच ये कहता कि जिनी देर तक 2/3 मैंबर पार्टी दे अलग नहीं होंगे 2/3 उन्नी देर तक तुसी किसी तरह का कोई अलग विचारधारा नहीं सोच बारे नहीं कर सकते, ना किसी पार्टी जा सकते हो, ना अपनी पार्टी बना सकते हो। साडा यह मनना कि दिस इज लाइक जमहूरीयत का गला कुटन वाला। इन्हें पार्टी डेमोक्रेसी जदों की एंटी डिफेक्शन लॉ है खत्म हो चुकी है, और जिहड़े भी प्रधान ने अज पार्टियां दे वो तानाशाह ने, वो डिक्टेटर बन चुके ने, उस ही छड़ी नूं वरत के उन्हां दे कोल अज पार्टियां दे दफ्तर ने, उन्हां दे कोल पार्टियां दे करोड़ां रुपए दे फंड्स ने जिहड़े दे आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीबडी। सही मायने विच ना किसी पार्टी दे विच कोई इनर पार्टी डेमोक्रेसी कोई इलेक्शन हुंदी देखी मैं, कोई पार्टी जेन्युइन इनर पार्टी डेमोक्रेटिक इलेक्शन कभी भी नहीं करवा रही, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ एड्डा मजबूत करता, डिक्टेटर एड्डे बन चुके उन्हां दे सामने कोई बोलता ही नहीं गा। तुसीं देखो ना कि विप दे उत्ते वोट करना, ऑल्डो एट दैट टाइम ये बहुत वड्डा डिबेट उठिया सीगा कि इहदा मतलब कि जिहड़े मैंबर्स ने इलेक्टेड मैंबर्स ने वो बंधुआ मजदूर ने, दे आर लाइक स्लेव्स, कि जो पार्टी ने कहता कि वहां पर वोट डालनी है उन्होंने वोट पानी पवेगी, नहीं तो उन्होंने मैंबरी जाती रहेगी। सो मेरा यह मनना वा कि यह जी 52nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और
91st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये दोनों पार्टियां ने की है। कांग्रेस ने भी एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस किया इंडिया विच, ते बीजेपी ने उस लॉ होर ज्यादा डिक्टेटोरियल यानी कि तानाशाह बनाया। आम आदमी पार्टी एक पासे कहती असी वक्री तरह की राजनीति कर आए हैं, असी स्वराज मॉडल लागू करांगे, असी इन्हों पार्टी डेमोक्रेसी वॉलंटियर्स तो बगैर पुछे कोई फैसला नहीं करांगे। अगर वक्री तरह की राजनीति कर आए हैं तो फिर जेडे कांग्रेस के अकाली दल के बनाए हुए कानून ने तुसी तो इन्हों कानूनों के इन जे तानाशाह अमेंडमेंट्स हुई कॉन्स्टिट्यूशन दी तुसी तो इन्हों होर मजबूत करन लगे हुए हो, वह सहारा लेके तुसी लोगों के उत्ते उन्होंने डिसक्वालीफाई करवाउण दीआं धमकियां दे रहे हो। फिर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी तुहाडा ते भारतीय जनता पार्टी का ते कांग्रेस का की फर्क सानू नज़र आउंदा होवेगा? सो आई वॉन्ट टू जनरेट अ डिबेट ऑन दिस इशू के की पार्टियां दे जिहड़े प्रधान ने वह कोई उन्हां विच टॉलरेंस का मादा रह गया वा कि वह डिक्टेटर नहीं हन, जो उन्होंने अच्छा लगता वा वो कि वह नहीं कर सक कि अपनी वह हर गल उन्हों का हुक्म मनिया जाऊ जिदा किसी वक्त राजे महाराजा हुक्म करते सके। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बहस देश के मैं समझता छिड़नी चाहिए और ये टोटल रिव्यू होना चाहिए वा। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ इफेक्टिंग माई सीट इज़ वन सीट, इट इज़ गॉन। मैं हर किस्म की चोण लई तैयार हाँ, स्पीकर साहब जो फैसला करनगे उस दे अनुकूल जो भी चलेगा अगे कानून कहेगा वह मैं करके, मैं किसी इलेक्शन तो नहीं भजदा, ना मैं कोई इलेक्शन तो किसी तरह का डर आ, बल्कि नवी पार्टी बना के असी इस करप्ट सिस्टम को चुनौती देने जा रहे हैं, इस करप्ट सिस्टम को क्लेंज करने वास्ते तो जा रहे हैं। इसलिए मेरा यह मनना वा कि यह जड़ा जमहूरीयत का गला कुटिया जा रहा इस देश के एंटी डिफेक्शन लॉ के जरिए ये भी रिव्यू होने चाहिए। मिसाल के तौर पर हुण सुखबीर सिंह बादल है, उन्होंने कोल करोड़ों रुपए की पार्टी प्रॉपर्टी है, चंडीगढ़ के 28 सैक्टर के बहुत बेशकीमती जिहड़ा अकाली दल का ऑफिस है और उन्होंने कोल पार्टी के पता नहीं किन्ने करोड़ों रुपए के फंड्स है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर यह सारे हुण सुखबीर सिंह बादल की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वह कोई ले नहीं सकता उन्होंने, ना दो तिहाई बहुमत होवे ना दो तिहाई बहुमत करके लोग सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ बगावत करन, ते ना वो भवन ते ना वो दफ्तर ते ना करोड़ों रुपए फंड्स जिहड़े ने वो किसी पासे जान। दिस इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ यू नो व्हाट शुड आई से थ्रॉटलिंग द डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड गिविंग एक्स्ट्रा पावर्स टू द प्रेजिडेंट ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज। सो मैं अज इत्थे एक तां ये गल रखनी सी, दूसरा मैं कहना चाहुंदा वा कि किसान पंजाब दे विच जिहड़े ने वो अज सारे सूबे दे विच धरनियां ते बैठे हुए ने और उन्होंने कहना वा कि जिहड़ा अमरिंदर सिंह ने कहा सी करजा कुरकी खत्म, वो करजा कुरकी खत्म तो की होना सीगा, उन्होंने लोगों के घर पुलिस छापे मार दी आ, बैंकों वाले वरंट कढ के उन्होंने घर जाके उन्होंने समाजिक शोषण करते हैं, उन्हों की तोहीन करते हैं। सारी स्टेट में जिहड़े किसान ने वो बैठे ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह नू अपना करजा माफ़ी का वायदा जिहड़ा वो तो पूरा करना ही चाहिए वा, परंतु अपनी स्टेट की ड्रैकोनियन मशीन जिहड़ी आ ड्रैकोनियन जिहड़ी है सारी डराउंदी जाके किसानां नू जिहड़े अगे ही पहला आत्महत्या कर रहे हैं, जिहड़े अगे ही पहला बहुत वड्डी करजे के मार विच ने, उन्हां तों ये सारे इललेजिटमेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डरस जिहड़े ने वह वापस लेने चाहिए आ, और जिन्हां लोगों के खिलाफ परचे हुए दर्ज आ किसानां दे वो सारे परचे जिहड़े पंजाब सरकार नू वापस लेने चाहिए आ। गन्ने के खपतकार किसानों का एरियज अज भी नहीं दिते जा रहे, किश्तों में दिते जा रहे हैं, उन्हां सारे किसानों का जिहड़ा बकाया है वो उन्होंने सूद समेत मिलना चाहिए वा, इंट्रस्ट देना चाहिए बिकॉज सरकार ने उन्हां दा पैसा पिछले सवा साल का मारिया होया वा। जिदा कोई आदमी किसी का पैसा मारदा वा तो जो समझौता होंदा वो सूद नाल अदायगी करता वा, इसलिए शुगर केन फार्मर्स का जिहड़ा पैसा वा वो उन्होंने विद इंट्रस्ट पेमेंट होनी चाहिए। एक होर गल देखने आ रही कि टोल प्लाजाज पंजाब दे विच बहुत लोड़ नालों ज़्यादा लग रहे हैं। मानसा बठिंडा विच 3 टोल प्लाजाज ऐड किए गए ने रीसेंटली, आने वाले दिनों असी साढ़े MLA साहब असी सलाह मशवरा करके एक
उत्थे मानसा जिले ते बठिंडा जिले विच तीन नवे टोल प्लाजे जा रहे ने उत्थे जाके धरना मारांगे क्योंकि एक पासे जदों सरकार ने साडे को रोड टैक्स ही लै लिया रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स दे मौके ते दे हैव नो राइट टू आस्क फॉर रिपीटेड टोल प्लाजा तो टोल प्लाजा जिहड़े विकसित मुल्क ने उत्थे टोल प्लाजा जदों लगदे ने ओह ऑलमोस्ट एटलीस्ट एट 100 माइल स्ट्रैच घट्टो घट 100 मील की स्ट्रैच ते जाके कोई टोल प्लाजा नजर आउंदा वा इतने 25-25 किलोमीटर की स्ट्रैच से 30-30 किलोमीटर की स्ट्रैच से टोल प्लाजा लगे ने बठिंडे तो चंडीगढ़ आने वाले जो लोग ने 500 रुपया वन वे ट्रैफिक नू देना पैंदा वा 500 रुपया एक कम्यूटर नू पांच टोल प्लाजाज ने और ये जो तीन टोल प्लाजाज मानसा बठिंडा साइड से लाए जा रहे ने ये पहला सड़क बनी हुई है ऑलरेडी और कोई प्राइवेट किसी कंपनी ने हुण सड़क बनाई नहीं गी बल्कि जो जिहड़ा टोल माफिया है बठिंडा बरनाला पटियाला चंडीगढ़ रूट नू इहनू बचाउण इहदी पिलफरेज ना होवे क्योंकि बहुत सारे लोग जिहड़े सीगे ओह वाया मानसा आउण लग गए चंडीगढ़ नू मानसा सुनाम भवानीगढ़ ते इहदी चंडीगढ़ आ जांदे सीगे ओह लीकेज नू प्लग करन वास्ते कि किसी तरीके दे नाल जिहड़ी बठिंडा चंडीगढ़ पटियाला रोड है इतने उन्होंने घाटा ना पै जाए सरकार प्राइवेट टोल प्लाजा कंपनीज नूं कितें घाटा ना पै जाए ऑलरेडी बनी हुई सड़क के उत्ते तीन नवे टोल प्लाजा लाउण जा रही है इहदा असीं अप्रोक्सीमेटली 12-13 तरीक नूं जाके विरोध करांगे अते उसते जाके असीं धरने देंगे तो इस तरह की इलेजिटमेट तो गैर कानूनी कार्रवाई नूं बंद करावांगे असीं अपने वल्लों मैं यही कुछ कहना सी अगर तुसीं कोई सवाल पुछणे तां प्लीज़ वेलकम देखो दिस इज अ लीगल प्रोसैस ये असी साडे एडवोकेट्स जिहड़े ने तुहानू पुछ के दस देंगे सारा कुछ कल दसांगे जी कल दसांगे जी आम आदमी पार्टी दी नू शांति मिलती है अपना विरोधी धिर दा आगू दा ओहदा गवा के तो मैं मास्टर जी नू कह दिना छेती इस्तीफा दे देना उन्होंने जरा छेती दवा दें जल्दी दे देंगे जी सारे विधायक जिहड़े साडे नाल जिन्हां लोगों ने देखो 7 MLAs ने साडा जिहड़ा साथ दिता और पंजाब दे इंटरस्ट नू चुन के पंजाब दा राह चुनिया वो अज भी साडे नाल ने परंतु मैं तुहानू सारे सत्कारयोग मीडिया नू कहना चाहुंदा कि असी बेबुनियाद जिमनी चोणा नहीं चाहते बेबुनियाद जिमनी चोणा पंजाब दे विच नहीं चाहते 2.5 लाख करोड़ का कर्जा वा एक जिमनी चोण मेरा ख्याल है कि करोड़ों रुपए बर्बाद होणगे स्टेट दे आ पंचायत दीआं चोणा होके हटियां तुसीं देखिआ किद्दां शराबां पैसा नशे ये तो असैंबली की चोण होगी जिमनी चोण विच सारी सरकार ने जाके बैठना वा सारे मिनिस्टर्स ने बैठना वा और एडी लुट कसुट ते रेप होना डेमोक्रेसी का असी नहीं चाहते पंजाब दे विच के साड़ी किसी भी गलत फैसले दे नाल किसी तरह की जिमनी चोण पंजाब दे विच आवे इसलिए असी अवॉइड कर रहे और ये 2-3 उदाहरण ने जो मनप्रीत सिंह बादल ने रिजाइन किया 2011 शायद जगबीर सिंह बराड MLA जलंधर कैंट ने रिजाइन किया उस वक्त की सरकार ने वो इस्तीफे मंजूर ही नहीं किए इस्तीफे पे रह गए स्पीकर दे कोल कोई बाय इलेक्शन नहीं हुई क्योंकि सरकार अवॉइड करती होगी कि इन्ना करोड़ों रुपए की बर्बादी होनी या उन्होंने जोड़े भी इशूज होणगे नहीं जी नहीं 13 महीने सके जी तो हुण तां 1 महीना भी 2 महीने है अच्छा 1 मिनट ठहर जाओ 1 मिनट एक होर उदाहरण देना सरदार बेअंत सिंह होनी जो कतल होया वा उदो कितना टाइम रह गया सीगा 2.5 साल देयर वाज नो बाय इलेक्शन इवन इन जलंधर कैंट आफ्टर द डेथ ऑफ बेअंत सिंह चीफ मिनिस्टर पंजाब कल मैं भुलत जाके आया सारे अपने पुराने लोगों मिल के बैठ के उन्होंने कॉन्फिडेंस लेके
अगला प्रोग्राम जो असी पार्टी लॉन्च करन जा रहे हैं उन्हां नाल विचार विमर्श करके उन्हां नाल सहमति करके फिर मैं आया वहां। देखो गल यह कि असी ऑलरेडी एक पंजाब डेमोक्रेटिक अलायंस बना चुके हैं 16 दिसंबर नूं पटियाले तो अनाउंस कर चुके हैं जिहदे च साडे वाली धिर जिहदे च बैंस ब्रदर्स जे डॉक्टर गांधी और बहुजन समाज पार्टी मैंबर्स ने इस पंजाब डेमोक्रेटिक अलायंस की अगली मीटिंग 11 या 12 तरीक नूं असी लुधियाने फिक्स कर रहे हैं, शायद 11 तरीक ही हो रही है फिक्स। उत्थे असी सारा विचार करांगे कि लोक सभा दीआं इलैक्शनस लड़नियां ने, केड़ी-केड़ी सीट केड़ी-केड़ी पार्टी लड़ेगी, क्योंकि एकदम इस वक्त सारिया पार्टियां नू एक झंडे दे थल्ले लियाउणा पॉसिबल नहीं सीगा, टाइम दी बहुत कंस्ट्रेंट सीगी। बट सूनर ओर लेटर असी जिहड़े लाइक माइंडेड इकट्ठे हो रहे हैं आने वाले समय दे विच पोस्ट 2019 वी विल ट्राई टू फोर्ज ए यूनिटी जिहदे नाल असी सारे एक झंडे दे थल्ले इकट्ठे हो सकी। इसलिए इह सारियां गल्लां लोक सभा दी इलैक्शन और लोक सभा की सीट शेयरिंग असी जी 2019 बारे फैसला 11-12 तरीक नू मीटिंग दे विच पीडीए की मीटिंग दे विच लवांगे। मेरा ख्याल रोड़ी साहब ने एक बयान दिता सी मीडिया के सामने के असी पंजाब का राह इसलिए चुनिया क्योंकि मनीष सिसोदिया की धौण में कोई सरिया सीगा, शायद सरिया कढ लिया उन्होंने, यो ही दस सकते हैं। मूर्खता ही नहीं ना करना चाहते, मैं नहीं चाहता कि साढ़े किसी गलत फैसले के नाल सुखबीर सिंह बादल पंजाब का विरोधी धिर का लीडर बने। उन्होंने तो नफरत की भावना नज़र नहीं ना आ रहा, जो बंदा नफरत करता ना अंधा हो जाता वो अगे ना फिर पड़दा पै जाता वा, इन्हों अखा के अगे तो पड़दा होया नफरत की भावना का साढ़े अगे नहीं है। असी तो हले भी कह रहे हैं मान साहब न, मैं कह दिना तो जरिए कह दिना कि हूँ ब्रह्मपुरा साहब न मिलने पहुंचे हुए हैं, अपने अपने घर में फूक के हूँ दूजिया की मिन्नत क्ढन नालों तुम कांग्रेस की भी मिन्नत क्ढ के देख ली आ जाओ साढ़े नाल, तुहानू पंजाब डेमोक्रेटिक अलायंस में हले भी असी फिट कर लाँगे। मेरे मन में कोई नफरत की भावना नहीं उन्होंने प्रति। कोई बेनीफिट नहीं होना अकाली दल का, कोई भविख नहीं गा पंजाब दे विच, जिस ढंग दे नाल उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करवाई मिथ के करवाई और वोटां की खातर एक डेरे दे नाल शरेआम संधि की, बैबल कलां दे विच पुलिस वाले जिन्हां ने गोलियां मार के 2 सिख नौजवान मार दिते उन्हां दी हिफाजत की, अकाली दल स्टैंड नो चांस इन पंजाब। इस करके ये लाजमी सीगा कि ये जिहड़ा पोलिटिकल स्पेस खाली हो रहा अकाली दल वालों अते झाड़ू दियां गलत नीतियां दे करके उसनू भरन दे वास्ते पंजाब दी लड़ाई देण वास्ते असी ये वैक्यूम भरन वास्ते एक नवी पार्टी का आगाज करन जा रहे हैं। शुक्रिया जी। हाँ मैं चाहना वा कि जिहड़े राह ते ओह पै गए ने हले भी वह राह छड़ के ते कुराहे पै गए ने, असी उन्हां नूं सही राह दे लैके आना चाहुंदे कि आओ आपां पंजाब दी लड़ाई इत्थे बैठ के पंजाबी इकट्ठे हो के केजरीवाल ते सिसोदिए होणा दी केजरीवाल सुधार भी कर सकदे ना, असी साथ उन्हां दा नहीं दे रहे, उन्हां नूं कहिंदे आ जाओ साढ़े नाल, असी साथ उन्हां नूं बुला रहे हां ता कि थोड़ा बहुता सुधार कर दिए, उन्हां दी नफरत की भावना घटा रहे उन्हां दी थोड़ी जिही। केजरीवाल साहब ने कहा वा कि जिहड़े पद दे भुखे ने वो पार्टी चो जा सकते ने, प्रशांत भूषण भी पद का भुखा सी, जोगिंदर यादव भी पद का भुखा सीगा, मेघा पाटकर भी पग दी पद की भुखी सीगी, डॉक्टर गांधी भी पद का भुखा सीगा, खालसा जी भी पद के भुखे सीगे, फुलका साहब भी पद के भुखे आ, गुरप्रीत घुग्गी भी पद का भुखा सीगा, सुच्चा सिंह छोटेपुर भी पद का भुखा सीगा,
आशुतोष एक जर्नलिस्ट भी पद का भुखा सीगा, आशीष खेतान भी पद का भुखा सीगा, कुमार विश्वास भी पद का भुखा वा, बस पद दे पद दे ना पद का लालच कले केजरीवाल उन्हें सिर्फ दो ही अहुदे रखे ने, ज्यादा नहीं रखे उन्हें, अपने ही बनाए संविधान नूं छिके ते टंगिया, तीसरी बार अमेंड किया और उन्हें तीजी टर्म ले ली आ, छेवें साल प्रधानगी छड्डण नूं दिल नहीं करता, जिहड़ा आदमी दूजिआं नूं नसीहत दे रहा उहदा अपना दिल प्रधानगी छड्डण नूं दिल नहीं करता, और नाल चीफ मिनिस्टर भी आ, और चीफ मिनिस्टर का काम भी कोई नहीं करता, महकमा भी कोई नहीं नाल लैंदा, जस्ट गड्डी मोटर घर रखने वास्ते चीफ मिनिस्टर का अहुदा रख्या, डिपार्टमेंट भी कोई नहीं रन करता, तो मनोज मनीष सिसोदिया साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने यह सारिया नसीहतां ने दूजिआं नूं देण वास्ते, साडा यह मनना वा कि पद के भुखे वो ने, और इन्हें लोगों ने एक लंबी लिस्ट आ लोगों ने जिन्होंने इन्हों छड्या वा, वो सारे सूझवान लोग जिहड़े सीगे, और इन्हों लोगों ने आम आदमी पार्टी का देश व्यापक सुपना तोड़िया वा, और जिहड़ा ये गल कर रहे सी, मैं तुहानूं लास्ट में कहना चाहुंदा वा, इस तों बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर जा रहा, जाना मीटिंग है मेरी, कि माफ़ी का फैसला हुण होना चाहिए वा, बिक्रम मजीठिया तो जिहड़ी अरविंद केजरीवाल ने माफ़ी मंगी सी, हुण भगवंत मान रोज़ रोज़ नहीं भज सकता, मेरी चुनौती है उन्हों कि हुण दस कि अरविंद केजरीवाल ने बिक्रम मजीठिया तो जिहड़ी माफ़ी मंगी, तू उन्हां नाल सहमत है कि नहीं सहमत, क्योंकि हरपाल जी मैंने तो कहता कि मैं सहमत हाँ, हुण भगवंत मान जी तुहाडा फर्ज बनता, तुसीं दसो हुण तुसीं बहुता देर नहीं भज सकते, 20 तरीक नूं अरविंद केजरीवाल बरनाले आ रहे हैं, तो सीट भी संगरूर दी है पार्लीमेंट की, स्टेज के उत्ते खड़ के भगवंत मान नूं दसना पवेगा कि जे तां तू अरविंद केजरीवाल की माफ़ी के खिलाफ है, तो उत्थों जनता नूं दस बोल के कि मैं अरविंद केजरीवाल की माफ़ी के खिलाफ है, तो अस्तीफा मेरा बरकरार आ, तो मैं इन्हां दीआं नीतियां दे नाल सहमत नहीं गा, तो या फिर उदन कबूल कि मैं एक साल लोगों के सामने झूठ बोलिया और मैं यदि माफ़ी के नाल सहमत हाँ, मैं बिक्रम मजीठिया दा दे नाल सहमत हाँ, असी उन्हूं ड्रग का सरगना नहीं मानते, ये लोग है जिहड़े बिक्रम मजीठिया नूं कहिंदे सीगे कॉलर से पकड़ के अंदर देंगे, 3 महीने है या तू मुझको पकड़ के अंदर दे दे, नहीं तो जब सरकार बनेगी पंजाब में आम आदमी की, तेरे को कॉलर से पकड़ के अंदर देंगे, इस गल का क्लैरिफिकेशन भगवंत सिंह मान नूं देना पवेगा, बहुत देर नहीं भज सकता, धन्यवाद सर। लागू किया नहीं इतना लंबा नहीं, हाँ जी किसने किया है, देखो मैं हले सुनिया नहीं गा जो तुसी कह रहे हो कि रिजर्वेशन ऑन इकोनॉमिक बेसिस, अगर ये रिजर्वेशन जिहड़ी पुरानी रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट दलित की, अगर उस नाल छेड़छाड़ नहीं हो रही, हाँ अगर वो छेड़छाड़ नहीं हो रही क्योंकि वो रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब के नाल डिफेंडेड रहनी चाहिए आ, अगर उस रिजर्वेशन नूं कोई फर्क नहीं पै रहा, तो इकोनॉमिकली जिहड़े गरीब लोग ने अगर उन्होंने आरक्षण मिलता वा, ये कोई एतराज़ नहीं, चाहे वह फॉरवर्ड क्लासेस ने, चाहे वह ब्राह्मण ने, चाहे वह जाट ने, चाहे वह कोई होर कास्ट ने, बिकॉज अज साडा मनना वा कि जिहड़ियां अपर कास्ट ने इन्हां दे विच गुरबत बहुत है, बहुत गरीब लोग ने, मैं देखे कई पुलाथ हल्के दे विच जाके पंडितां दे ब्राह्मणां दे घर देखे ने, उन्हां दे घर बहुत तरसयोग हालात च ने, उन्हां दे बच्चों के कोल नौकरियां नहीं हन, अगर एस सी रिजर्वेशन नूं कोई इफेक्ट नहीं पैंदा, तो आई थिंक इकनोमिक क्राइटेरिया के उत्ते फॉरवर्ड क्लासेस नूं भी अगर रिजर्वेशन मिलती, देयर इज वी हैव नो ऑब्जेक्शन टू दैट, नहीं जी नहीं नहीं नेवर एट ऑल, ना असीं कदी इदां एम कीता वा, पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, कल पता लग जूगी किसने किया जी, मेरा ख्याल जरा फूलका साहब ने कदम चुकया वो अच्छा कदम है,
क्योंकि एसजीपीसी का बहुत ज़्यादा मिसयूज होया ओवर द पास्ट मैनी डेकेड्स। उसका राजनीतिकरण हो के जिहड़ा एसजीपीसी का असल मकसद सिगा सरबत का भला, जो गरीबां दी एजुकेशन ते हेल्थ केयर विच काम करन दा फर्ज सिगा, एसजीपीसी उतो पटकी हुई सी और एक परिवार की सेवा कर रही सी, बादल दे टब्बर की सेवा कर रही सी। जो फुलका साहब ने एक एसजीपीसी दे विच सुधार लियाउण दी गल कीती आ, वो मैं समझदा कि वेलकम स्टैप आ, वो काबिले तारीफ आ और साडियां शुभकामनावां ने कि वो इस विच कामयाब होण, एसजीपीसी लिबरेट होवे बादल दे परिवार तो, वो एजुकेशन ते हेल्थ केयर दे विच ते सिखी दे प्रचार विच, धर्म दे प्रचार विच कामयाब होवे। धन्यवाद जी।